नमस्कार दोस्तों, आप अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्या ऐसे तरीके हैं जो आपके आत्मनियंत्रण के स्तर को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं? हालांकि यह सच है कि कुछ लोगों में अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के आकार के कारण अधिक आत्मनियंत्रण रखने की जैविक प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। कुछ प्रशिक्षण के साथ अपनी इच्छा शक्ति क्षमता में सुधार करना संभव है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इच्छा शक्ति कैसे सुधारें, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बेहतर इच्छा शक्ति के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपका मस्तिष्क प्रशिक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मेमोरी गेम खेलते हैं तो आपकी अल्पकालिक स्मृति बेहतर होती है। पियानो बजाएं और आपका मस्तिष्क संगीत पढ़ने में तेज हो जाएगा। आप अपने मस्तिष्क को आत्म जागरूकता में बेहतर होने के लिए भी प्रशिक्षित कर सकते हैं, जो आपको अधिक इच्छा शक्ति देता है। इच्छा शक्ति को बेहतर बनाने के लिए एक प्रशिक्षण विधि जो विशेष रूप से प्रभावी है, वह है ध्यान। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो ध्यान का प्रयास करें। ध्यान मन को शांत करने और सांस लेने की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास इच्छा शक्ति के लिए एक शॉर्टकट की तरह है। जब आप ध्यान का अभ्यास विकसित करते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क आवेग नियंत्रण में बेहतर हो जाता है, और इसमें प्रतिदिन केवल 5 मिनट लगते हैं। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वास्तव में अधिक ग्रे मैटर होता है। ध्यान मस्तिष्क के उस हिस्से में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे यह बढ़ता है और प्रसंस्करण में अधिक कुशल होता है। एक बड़ा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विकर्षणों को संभालना और अच्छे निर्णय लेना आसान बनाता है। अगर आपने पहले भी ध्यान करने की कोशिश की है और आपको लगता है कि आप इसमें बुरे हैं, तो अब दोबारा कोशिश करने का समय आ गया है। इसे इच्छा शक्ति विकसित करने का एक प्रयोग माने। जो लोग मानते हैं कि वे ध्यान में निराश हैं, वे ही इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। फर्श पर या कुर्सी पर क्रॉस लेग करके बैठें और अपने पैरों को फर्श पर सीधा रखें। अपने हाथों को अपनी गोद में रखें और अपनी रीढ़ को सीधा करें। अब स्थिर रहने पर ध्यान दें, न कि बेचैनी पर। अपनी बैठने की स्थिति को समायोजित न करने या खुजली को खरोंचने से बचने की पूरी कोशिश करें। इस एक स्थिति में रहने से आप अपने मस्तिष्क और शरीर द्वारा उत्पन्न हर आवेग का पालन न करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस कदम को इच्छा शक्ति के भौतिक आधार के रूप में सोचें। अब जब आप शांत हो गए हैं, तो अपनी आंखें बंद कर लें या अपनी आंखों को दीवार पर एक ही जगह पर केंद्रित करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेते और छोड़ते समय चुपचाप सांस लें और सांस छोड़ें शब्द कहें। आपका मन शायद भटकने लगेगा, लेकिन बस उसे वापस अपनी सांसों पर केंद्रित करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क के उन क्षेत्रों से ऊर्जा दूर हो जाती है जो तनाव और लालसा पैदा करते हैं। कुछ मिनटों के बाद सांस लेते समय सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना शब्दों को दोहराना बंद कर दें। बस सांस लेने की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करें। आपका पेट और छाती फूलना और सिकुड़ना, नाक और मुंह से हवा अंदर बाहर होना बिना उसे नाम दिए। अपना ध्यान उन तरीकों पर लगाएं जिनसे आपका मन भटकता है, लेकिन उसका न्याय न करें। बस अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाएं। इस कदम को आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण के प्रशिक्षण के रूप में सोचें। प्रो टिप्स: जब आप ध्यान कर रहे हों, तो लक्ष्य अपने विचारों को खत्म करना नहीं है। लक्ष्य यह है कि अपने विचारों को आप पर हावी न होने दें। जैसे ही आपका मन भटकने लगे और आप अपनी सांस पर अपना ध्यान खो दें, बस अपना ध्यान वापस लाएं। आपके मस्तिष्क का प्रशिक्षण सांस पर वापस आने के अभ्यास में होता है, जरूरी नहीं कि वहीं रहने में। कुछ हफ्तों के बाद आप अपने ध्यान के समय को बढ़ाकर प्रतिदिन 10 या 15 मिनट कर सकते हैं, लेकिन अगर यह बोझ या दायित्व जैसा लगने लगे, तो 5 मिनट पर वापस आ जाएं। कुछ लोगों को ध्यान के लिए दिन का एक निश्चित समय चुनना आसान लगता है,
जैसे सुबह सबसे पहले या सोने से ठीक पहले, जबकि अन्य लोग अपने शेड्यूल को लचीला रखना पसंद करते हैं। देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। इच्छा शक्ति चुनौती चुनें। एक विशिष्ट इच्छा शक्ति चुनौती चुनें जिसे आप हल करना चाहते हैं। हम इसे आपकी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति चुनौती के रूप में संदर्भित करेंगे। जब आप कोई चुनौती चुनें, तो ध्यान रखें कि आत्मनियंत्रण में तीन अलग अलग कार्य शामिल हैं। मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं। आपकी चुनौती इनमें से किसी एक श्रेणी में आएगी। मैं करूंगा। चुनौती ऐसी चीज है जो आप अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसे एक दीर्घकालिक आदत बनाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं या और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। मैं नहीं करूंगा। चुनौती एक मौजूदा आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। आप क्या कम करना चाहते हैं, क्योंकि यह आपके सर्वोत्तम हितों की पूर्ति नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं। चुनौती एक आजीवन लक्ष्य है जिसे आप और अधिक प्रयास से प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना या बेहतर माता पिता बनना। आप इस प्रयास को कम समय में पूरा नहीं कर सकते। यह एक सतत चुनौती है, लेकिन आप सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति की कमियों को जानें। अगर आप इच्छा शक्ति को बेहतर बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपको अपनी कमियों को जानना होगा। हम सभी यह मानना चाहेंगे कि हम अपनी भावनाओं, भूख और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी इच्छा शक्ति तक पहुंचना अक्सर संघर्षपूर्ण होता है। हम खुद से असहमत हैं। हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम वह भी करना चाहते हैं जो अभी अच्छा लगता है। ज्यादा आत्मनियंत्रण पाने के लिए पारंपरिक स्व सहायता रणनीतियां ज्यादातर लोगों के लिए कारगर नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, लक्ष्य निर्धारण एक बढ़िया रणनीति लगती है, लेकिन यह पहचानना कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं सिर्फ हिमशैल का सिरा है। हम में से हर कोई दर्जनों ऐसी चीजें बता सकता है जिनके बारे में हम जानते हैं कि हमें उन्हें करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं करते हैं। इसके बजाय यह पता लगाने के लिए कुछ समय निकालें कि आप किस वजह से प्रलोभन में पड़ जाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना छोड़ देते हैं। सभी इच्छा शक्ति का आधार आपके स्वयं के आत्मनियंत्रण जाल और नुकसान को समझना है। इच्छा शक्ति में आप कैसे और क्यों विफल होते हैं, इसके बारे में आत्मज्ञान आपको सफल होने के लिए रणनीति बनाने में मदद करता है। अपने आप को अपने विज्ञान प्रयोग का विषय बनाइए, अपना डेटा एकत्र कीजिए और जो सबसे अच्छा काम करता है उसके बारे में अपना निष्कर्ष निकालिए।